वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जो कि मैंने चिकन करी बनाई है। इधर मैंने बच्चों की फरमाइश से बनाई है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, एंड बेल आइकन की बटन जो घंटी होती है ना दोस्तों, उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आगे से मेरी जो भी वीडियो आएंगी वो सारी आप लोगों के फ़ोन में आती रहे, तो इस तरह से प्लीज़ आप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को जल्द सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि मैंने बनाई है, मेरे तरीके से बना के दिखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगेगी प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा कि मैंने इस तरह से बनाई थी और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, कोई कमी बड़ी हो, जो भी दिक्कत हो वो भी शेयर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो इधर मैंने ले लिया है 1 kg चिकन, जो मैंने 4 से 5 बार पानी में धुल लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया है। इधर ले लिया है 1.5 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मैंने पहले से बना के रखा था। तो होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं, मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इधर ले लेंगे 2 चम्मच दही। अगर आप लोगों के पास दही दोस्तों ना हो तो इस स्टेज पे हम एक नींबू लेंगे, उसको नचोड़ लेंगे, ठीक है। अगर ना हो दही तो, अगर दही हो तो ज़रूर 2 चम्मच डालिए, 2 से 2.5-3 चम्मच तक डाल सकते हैं, सब्जी के अकॉर्डिंग, सब्जी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप, ठीक है। इधर ले लिया है 1 चम्मच मैंने हल्दी, और इधर ले लेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ दोस्तों, धनिया पाउडर खूब यूज़ किया करिए, धनिया पाउडर बहुत फ़ायदेमंद होता है। इधर ले ली है लाल मिर्च, तो मेरी मिर्च थोड़ी तीखी कम है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं तीखा जितना आप ज़्यादा कम खाते हैं उस हिसाब से आप तीखा, अगर कम खाते हैं तो कम लीजिएगा, ज़्यादा खाते ज़्यादा, ठीक है। इधर मैंने ले लिया था गरम मसाला थोड़ा सा, और लाल मिर्च तो डाली थी आपको बताई, नमक डाल दिया थोड़ा सा, बाकी भुना जीरा मैं भूल गई थी दोस्तों वीडियो में, जब मैं बना रही थी तो मैं शायद यहाँ ध्यान मेरा नहीं गया, भुना जीरा मैंने नहीं उठाया, नहीं डाला इसमें, उसकी शीशी अलग रखी थी। सो मैंने क्या किया है, एक बाद में डाला है, तो ठीक है आप स्किप मत करिएगा दोस्तों, भुना जीरा यहाँ पे जरूर डालिएगा 1 चम्मच। और हरी मिर्च अगर हो, धनिया हो, हरा धनिया हो, इधर देखिए लाल मिर्च हल्की सी कम लगी मुझे, तो लाल मिर्च और हल्दी मैंने दोनों डाली है 1/2 चम्मच, ठीक है। और अगर धनिया हो, कस्तूरी मेथी आप इस स्टेज पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने सिंपल तरीके से बस मिला के इसको फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर मैरिनेशन कर देंगे ना इसका तो हम लोग अच्छे से इसको, मतलब आप आधे से 1 घंटे के बीच में मतलब इसको रख देंगे तो उस हिसाब से बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्ट ऑफ पीस में तो क्या ही लाजवाब मतलब बनता है। बच्चे तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि मम्मी इतना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल भी चुइंग पीस नहीं होते हैं मुंह में, मतलब चबाने में जैसे होता है ना कि नहीं आते हैं, तो उस तरह से पीस नहीं होते हैं, ठीक है। इधर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको बताया कि मैंने घर पर पीसा था, सो इस पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें लहसुन की, एक लहसुन ले लिया था, कुछ एक अदरक की बड़ी गांठ ले ली थी, बस वॉश करके मैंने इसको पीस लिया, थोड़ा हल्दी और सरसों का तेल और नमक डाल के इसको पीस लेना है, ठीक है, पानी नहीं डालना है, ताकि अब उठा के इसको रख सकते हैं बाकी के लिए, आगे के लिए, आगे रेसिपी भी यूज़ करने के लिए। इधर हमने 3 प्याज 3 टमाटर और 3-4 हरी मिर्च ले लिए, 2 मिर्च मैंने इसमें पेस्ट के लिए, इसी सेम जार में हम 2 मिर्चा भी डाल देंगे। इधर प्याज हम कट कर देंगे, प्याज टमाटर जो भी है इसकी हम ग्रेवी के लिए, ठीक है। इधर पेस्ट बनाएंगे और थोड़ा सा हम 1 प्याज ऊपर और ले लेंगे, जो ये 3 प्याज जो मैंने लिए थे दोस्तों, ये हमने 1 kg चिकन में 3 प्याज लिए, छोटे प्याज है मेरे, अगर आपके बड़े हों तो आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। टमाटर भी मेरे छोटे छोटे थे तो मैंने वो 3 लिए, आप 2 भी ले सकते हैं, आप जिस तरह से आपके पास है उस तरह से कर सकते हैं। मैंने कट कर दिया, पेस्ट बना लिया। इधर मैंने 1 प्याज और मतलब अलग से लिया है, मतलब 4 प्याज लिए फुल रेसिपी में, और 2 हरी मिर्च जो मैंने उठा के जो रख दी हैं, 4 ली थी तो 2 अलग रख दी हैं। इसको मैं करूँगी जब मैं सब्जी तड़का, मतलब सब्जी बस तैयार करेंगे, बनाएंगे इसको जब छौकेंगे, ठीक है, इसकी बनाने की तैयारी करेंगे। इधर हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, देखिए मैंने बोला था ना आपसे, मैंने 1 चम्मच 1.5 चम्मच बाद में भी लिया है,
तो ये पेस्ट हमारा प्याज वाला तैयार हो गया है। टमाटर भी मैंने साथ में ही पीस लिए थे, ग्राइंड कर लिए थे, अच्छे से खूब पेस्ट बना लिया बढ़िया सा। इसमें भी हम हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, एक लिया है धनिया पाउडर का और लाल मिर्च मैंने एक चम्मच ली है। ठीक है, मेरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, मतलब ठीक ठीक तीखी है। आप कश्मीरी मिर्च डालना चाहें लाल कलर के लिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी, मैंने खाली तीखी वाली ली है। और नमक है, गरम मसाला है, ये देखिए भुना जीरा मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, ये मैंने बाद में डाला है। ठीक है, आप सब्जी बन जाए उसके बाद भी गरम मसाला भुना जीरा ऊपर से जरूर डालिएगा, इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है सब्जी बनने के बाद अगर आप डालते हैं भुना जीरा और गरम मसाला, क्या मतलब बच्चे तारीफ करते नहीं थक रहे थे दोस्तों। इधर हम कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में हमने लगा लिया है एक चम्मच भर के सर्विंग स्पून जो होती है तेल। ठीक है, तेल सब्जी में लेना है, आप अगर अच्छा बनाना चाहते हैं सब्जी को तो सरसों का तेल ही लीजिएगा, बाकी आप जो खाना पसंद करते हैं उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, इधर हमने खड़े मसाले ले लिए हैं, दालचीनी ले ली है, फूल चक्री ले ली है, काली वाली जो इलायची होती है वो ले ली है, हरी इलायची ले ली है, बाकी आप जीरा ले लिया है मैंने, बाकी आप जो और डालना चाहें डाल सकते हैं। खड़े मसालों में मैंने यही अभी डाला है इसमें, और इधर डाल दिया है दो हरी मिर्च मैंने स्लिट करके डाल दी है, और प्याज मैंने एक आपको बताया मैंने बाद में एक प्याज पील किया है, पील करने का धुलने के बाद इसको मैंने उसको कट करके फाइन चॉप करना है, पतला पतला, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, महीन करिए उसे करिए, और इसको बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है प्याज को, बस ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस हल्का सा कलर इसका चेंज हो दोस्तों, बस इसी स्टेज पे हम जो मसाला हमने लिया था प्लेट में निकाला था मैंने, अब इसमें मैंने बाउल में मिला के अच्छे से फेंट लिया है इसको, ताकि सारे सूखे मसाले हमारे अच्छे से फूल जाए, तो इससे क्या है हमारी ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है इससे। ठीक है, इसको हम इसमें डाल देंगे, इस बाउल को रख देंगे साइड में, क्योंकि इस बाउल में अभी हम पानी भी हम डालेंगे, इसी बाउल से डालेंगे, एक बाउल हमारा मसाला था देखिए। ठीक है, अब हम डेढ़ बाउल पानी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। ठीक है, मसाला हम पहले खूब भून लेंगे। इधर मैंने कसूरी मेथी ले ली है, आप पहले भी डाल सकते हैं, मैरिनेशन जब मैंने किया था उस स्टेज पे भी आप कसूरी मेथी, भुना जीरा, गरम मसाला, आप जो भी डालना चाहें टेस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो मसाले आप मिलाना चाहें, जो आपको अच्छे लगते हो वो मिलाएं, आपकी सब्जी में इतना अच्छा उभर के टेस्ट आता है कि लोग तारीफ करेंगे, उंगलियां चाटेंगे, और हमें लगता है आगे बोले तो क्या आप बोलेंगे कि ऐसे बोल रही, थाली भी चाट जाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छी बनती है सब्जी। ठीक है, बच्चों ने तारीफ बहुत की थी, सो आप इस तरह से बनाइएगा दोस्तों, और रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। ये देखिए मैं फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था रेस्ट करने के लिए, मैरिनेशन करके, अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही ये मतलब पीसेस देखिए मतलब फ्रीजर में रख दिया था तो किस तरह से पीसेस चिपक गए एक दूसरे में, ये देखिए, और ये मैंने मसाला भुन गया है, उसके बाद मैंने इसको डाल दिया, जस्ट ऐसे ही डाला है, मैंने पानी नहीं लगाया दोस्तों, मैंने कुछ नहीं लगाया। ठीक है, मसाले में भी जो पानी था, मॉइस्चर था, जो भी था, तेल छोड़ दिया था मसाले ने, रिलीज कर दिया था तेल, और देखिए उसके बाद मैंने ये चिकन डाला है, चिकन डालने के बाद आप देखिएगा इसमें कितना पानी छूटेगा, मैं इसको खाली बस जस्ट यूँ मिला के और ढक दूंगी। ठीक है, 15 मिनट के लिए इसको ढक देना है, आप 15 मिनट के अंदर इसको 10-15 मिनट के अंदर देखिएगा इसको, इसमें कितना पानी इसने छोड़ा है दोस्तों, ये देखिए कितना सारा पानी इसमें चिकन ने छोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका चिकन लाजवाब बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कितना कढ़ाई में लग रहा था कितना सारा है, लेकिन देखिए पानी इसका सारा सूख गया है, और उसके बाद चिकन का जो मसाला था उसका जो तेल छूटेगा, उसके बाद ये अच्छे से भुन जाएगा दोस्तों। देखिए भुन गया है हमारा चिकन, ये मैंने दोबारा खोला है आपको दिखाया है कितने अच्छे से भुन गया है, इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों। इस स्टेज पे अगर आप सर्व करना चाहें रोटी के साथ, नान के साथ दोस्तों, आप इंजॉय कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है नान के साथ, बहुत टेस्टी लगता है इस स्टेज पे। थोड़ा सा पकाना और चाहते हैं इसको, थोड़ा सा अगर पानी 2 चम्मच या 1 सर्विंग स्पून जिसमें सब्जी को हिला रही हूँ वो अगर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दें और फिर धनिया से गार्निश करें और नान के साथ इंजॉय करें, ये भी बहुत 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 अच्छा लगता है खाने में। बच्चों को तो मेरे ऐसे ही पसंद है, आधा तो मैं इस तरह से निकाल के रख देती हूँ कि बच्चे अगर इस तरह से खाना चाहें तो इस तरह खा सकते हैं। सो आप प्लीज़ देखिए, मैंने बताया था मसाला भुन जाएगा, चिकन हमारा अच्छे से भुन जाएगा, तो हम देखिए एक कटोरी मैंने पानी लगाया है, आधा कटोरी मैंने फिर लगाया है, लेकिन वो वीडियो में स्किप हो गया है,
वो मैंने मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया है दोस्तों, सो प्लीज मैं बता रही हूँ आपको। देखिए आधा बाउल मैंने और लगाया है, ठीक है पानी, डेढ़ बाउल हमने जिस बाउल से हमने मसाला लिया था उसी बाउल से हम डेढ़ कटोरी पानी लगाएंगे खुद, और इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए, और 15-20 मिनट के लिए जो भी है। आपकी सब्जी देखिए बनके तैयार है, इंजॉय देम, एंड आपको बता नहीं सकती दोस्तों, बच्चे इतनी तारीफ कर रहे थे, इतना तारीफ कर रहे थे कि मम्मी बहुत अच्छी बनी है, आप पनीर को भूल जाएंगे दोस्तों। बच्चों को पनीर भी बहुत पसंद होता है, इसी तरह से चिकन पसंद होता है। सो दोस्तों आप लोग इंजॉय कीजिए एंड थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।